आगामी चारधाम यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तरकाशी जनपद में स्थित मां गंगा के धाम गंगोत्री एवं यमुनोत्री में जिला प्रशासन एवं तीर्थ पुरोहित भी यात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन पूरे विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। तो वहीं गंगोत्री धाम की यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल भी वहां पहुंचे हैं और उन्होंने कई लोगों से और कार्यकर्ताओं से वहां बात की। चलिए देखते हैं आज की इस रिपोर्ट में। गंगा मैया की जय। सर्वप्रथम मान्य मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा चारों धाम में बेहतरीन व्यवस्थाएँ जो है उसको सुचारू रूप में किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर पिछले कुछ ही दिनों पहले जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गंगोत्री धाम के लिए गंगोत्री में एक बैठक की गई, जिसमें गंगोत्री धाम की जो भी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए शासन और प्रशासन भी इस तैयारियों में लग चुकी है कि कैसे, क्योंकि आने वाले समय में अधिक श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पहुँचने वाले हैं और इसलिए गंगोत्री की जो तैयारियाँ हैं वो हमारे पंडा समाज, हमारी जो पांच मंदिर समिति गंगोत्री धाम है उनके द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है एक बार, और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चालू कराने के लिए हम लोग तैयार हैं और यात्रा सीजन के लिए हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बोले गंगोत्री धाम की जय, गंगे मैया की जय। आजकल शीत प्रवास में जहाँ हिमालय में सभी लोग अपने यहाँ कंदराओं में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए हिमालय में समाधिस्थ हो रखे हैं, माँ गंगा का पट तो बंद है फिर भी लोग श्रद्धालु लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर गंगा जी के जो द्रव्य दर्शन करने के लिए वो यहाँ पर उतना गंगोत्री धाम में पहुँच रहे हैं। और ऑफ सीजन में यहाँ पर आना, यात्रियों का आना, श्रद्धालुओं का आना एक शुभ सूचना है। आगे आने वाली जो समय है, यात्रा प्रारंभ होने वाली है, तो उसके लिए अच्छी सूचना है। और बर्फ़ होने के बावजूद भी हल्की फुल्की यहाँ बर्फ़ भी पड़ी है फिर भी लोग गंगोत्री में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप देख रहे हैं अपने हरियाणा से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कैसे वहाँ का माहौल है, कैसे वहाँ का मौसम है। तो मौसम यहाँ का खुशनुमा मौसम है। अब यात्राएँ शुरू होगी, अक्षय तृतीया में यात्रा शुरू होगी। आप लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को आमंत्रित करता हूं, आप लोग गंगोत्री धाम आइए, यमुनोत्री धाम आइए। और देखिए हमारे बीच में हमारे हरियाणा से भी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो यहां पर प्रतिसाल यहां पर जो है संतों को राशन देते हैं और यहां पर अभी भंडारा भी करने वाले हैं। और जो भी यहां पर जो शीतकाल के जो संत हैं उनको यहां पर अभी आज एक छोटा सा जो है हम लोगों ने गैदरिंग भी कर रखी है, उनको वहां पर भंडारा भी होगा और सारे लोग मिल के भगवान शंकर का और माँ गंगा जी का जयकारा लगाएंगे। आप सब लोग आइए, सुरक्षित यात्रा है। आप गंगोत्री आइए, यमुनोत्री धाम आइए, आप बद्रीनाथ आइए, केदारनाथ आइए, चारों धाम में आप सब लोगों का स्वागत है। बोले गंगे मैया की जय। अगर मैं यात्रा की अगर बात करूं 2023 की, बहुत अच्छी यहां पर जो यात्रा सीजन की तैयारी चल रही है। जितने भी गंगोत्री के जितने भी पंडे लोग हैं अपने होटल की पूरी सफाई कर रहे हैं, पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, गंगा घाट की पूरी सफाई कर रहे हैं, गंगा मंदिर की पूरी सफाई कर रहे हैं। सब यहाँ पर जो है शासन प्रशासन यहाँ पर बार बार बैठक लिया जा रहा है कि 2023 की जो यात्रा काल चलेगी उसमें किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए और उम्मीद है कि शासन प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर यात्रा अच्छी चलेगी, ऐसा हम चाहते हैं। बोल गंगा मैया की जय। बारह महीने रहते हैं और 6 महीने मंदिर की तरफ से जो मंदिर समिति है उनकी तरफ से रहते चार आदमी रहते हैं और हम ये मंदिर पुजारी यहाँ पे हैं और 12 महीने यहाँ पे जैसे पूजा सीजन में होती वैसे पूजा हम बाहर से गंगा घाट से और यहाँ तक हम बराबर करते हैं और शीतकालीन पूजा मेन मंदिर मुख में होती है और इस टाइम अब यात्रा भी चलने लग गई है, बर्फ़बारी तो कमी है लेकिन अब गाड़ी भी पूरी गंगोत्री तक आ रही है और हम लोग चाहते हैं सभी यात्रियों गणों से सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पधारें। गंगा मैया की जय।